नमस्ते दोस्तों, आइए आज हम बनाते हैं कटहल का कोरमा। तो देखिए हमें किस किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिए, आधी किलो कटहल लिए, 10 से 12 कली लहसुन के और 1 केजी अदरक का टुकड़ा जिनका मैं पेस्ट बना रही हूँ। इधर कढ़ाई रखी थी मैंने, तेल रखा था गर्म होने के लिए। तेल गर्म हो चुका है तो हम यहाँ पर प्याज को ब्राउन करेंगे। हमें प्याज को ब्राउन करके उसका पेस्ट बनाना है। हमें अपनी प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन करनी है। देखिए हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसे धीरे धीरे मिक्सिंग जार में निकाल लेंगे। मिक्सर जार में इसका हम पेस्ट बनाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 5 काजू डाले हैं इसमें और 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें दही डाल रही हूँ। दही हमारे इसको पीसने में भी मदद करेगी और ये गर्म है प्याज तो उसको ठंडा भी करेगी। अब मैंने आधा कटोरी दही ली है जिसमें मैं कोरमे का मसाला बना रही हूँ। तो मैं 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबल स्पून ही भुना हुआ जीरा पाउडर डाल रही हूँ। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ पे टमाटर यूज़ नहीं करने, तो हमें बस ये दही ही यूज़ करनी है। इसमें मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उधर जो हमारा तेल प्याज से बचा था, जो प्याज हमने ब्राउन की थी, हम उसमें कटहल को फ्राई करेंगे। ये कटहल कोरमा की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगने वाली है, बहुत ही टेस्टी लगेगी ये सब्ज़ी। देखिए हमारी कटहल फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। हम इसमें सारे बीजों को भी निकाल लेंगे कटहल के। अब मैंने कुछ खड़े मसाले लिए, 5 लौंग, 1 दालचीनी, 3 तेज पत्ते और 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 4-5 काली मिर्च। हम इन सब मसालों को तेल में डाल दिया हमने और अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अब इसको मैं 2-3 मिनट भूनूंगी। जब हमारा ये पेस्ट भुन जाएगा तब इसमें हम दही में मिले मसाले डाल देंगे। हमारा पेस्ट भुन चुका है तो मैं यह मसाला ऐड कर रही हूँ और हमें लगातार चलाते हुए पकाना पड़ेगा ताकि हमारी दही फटे ना। देखिए हमारे मसाले ने तेल अलग छोड़ दिया। तब हम यहाँ पे जो हमने प्याज ब्राउन की थी दही के साथ पीसी थी, उसका पेस्ट भी डाल रहे हैं यहाँ पे। और जो हमारे मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी डाल के हम वो जो पेस्ट हमारा इसके अंदर लगा रह गया वो भी निकाल लेंगे, वो पानी भी यहाँ पे ऐड करेंगे। इस पानी से हमारे मसाले पकने में भी मदद मिलेगी और जो पेस्ट हमारा लगा रह गया तो वो भी आ जाएगा। अब हम लिड ढक देंगे। अब देखिए हमारा मसाला भुन चुका है। अब यहाँ पे मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर रही हूँ और वापस से ढक दिया मैंने। अब यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला भी डाल दिया है।
अब मैं मिक्स कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारा मसाला ऑलरेडी पक चुका है। अब यहाँ पे मैं कटहल ऐड कर रही हूँ। अब हम कटहल को अच्छे चला देंगे और इसमें हमें जितने पानी की ज़रूरत होगी उतना ही पानी इसमें डालेंगे। कोरमा तो आपको पता है कि थोड़ा थिक ही बनता है, गाढ़ा ही बनता है, तो हमें पानी यहाँ पे कम डालना है। और वैसे भी हमारी कटहल तेल में फ्राई करते वक्त काफ़ी गल चुकी है, तो इसलिए हमें पानी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है, मैंने यहाँ पे एक कटोरी पानी ऐड किया है। बस हमें इतने ही पानी की ज़रूरत है। आप ग्रेवी अपने हिसाब से रख सकते हैं। और यहाँ पे हमें जो कुकिंग करनी है इस कोरमे की, तो मीडियम गैस पर करनी है, मीडियम तो स्लो गैस पर। देखिए मैं आपको फूक से दिखाती हूँ कि हमारी कटहल कितनी अच्छे से गली है। तो हम कुछ देर और पकाएंगे इस कटहल को और फिर हमारा कटहल कोरमा तैयार है। देखिए हमारा कटहल कोरमा बन चुका है, बिल्कुल लग रहा है ना कितना देखने में अच्छा। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।